दोस्तों पावर स्टार पवन सिंह एक ऐसे कलाकार है जो अपने दम पर किसी भी मौसम का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। अब सावन में जब लोकगीत का भाव काल रहे तो आप क्या कहेंगे। जी हाँ, वैसे तो राजा जी सॉन्ग आदिशक्ति फिल्म पर 15 मिलियन ही हुआ है, पर ओवरऑल इसका व्यू 40 मिलियन क्रॉस करने वाला है और ये कई चैनलों पर 5 मिलियन, 10 मिलियन, 2 मिलियन हो चुका है। और ये एक ऐसा गाना बन गया है जो कि सावन के माहौल में भी खूब बज रहा है। साथ ही ये गाना रील्स पर भी ट्रेंडिंग में है और 2,70,000 प्लस रील्स इस पर बन चुके हैं अभी तक इंस्टाग्राम पर। आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं रील्स का भी और यूट्यूब म्यूजिक चार्ट का भी। एक बात और दोस्तों, ले जात बड़ू देवघर गाना जो कि पिछले साल का बोलबम सॉन्ग है, फिर भी वो इस साल अभी तक पिछले 28 दिनों में 36 मिलियन प्लस बज चुका है और मुझे लगता है कि ये भी इस साल का एक और नया रिकॉर्ड बनेगा कि जितना नए गाने नहीं बजे उससे ज़्यादा ये पुराना गाना इस साल बज रहा है। और मुझे लग रहा है कि 50 मिलियन 60 मिलियन ये इस साल क्रॉस तो कर ही जाएगा। तो ये है अपने पावर स्टार की आवाज़ की ताकत, जिसे शायद कोई चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता। दूसरी बात कि पवन सिंह के नए गाने का पोस्टर भी आ चुका है एजे फिल्म से। साथ में आज दो बड़े सुपरस्टार कलाकारों का गाना आया है जो कि बहुत ही प्यारा लगा मुझे। एक उठा भोले दानी खेसारी जी का गाना और दूसरा गौरा रानी अंकुश राजा का गाना। ये दोनों ही गाने बड़े प्यारे हैं। आप लोग जो भी गाना अच्छा लगे, जिसका भी अच्छा लगे, सबको सुनिए, सबको प्यार दीजिए। मन में किसी के भी प्रति द्वेष नहीं रखना है, बस भोजपुरी के लिए काम करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।